राजस्थान के बारा में मंगलवार को बारा की किन्नर खुशबू आंटी और मध्य प्रदेश के नीमच से आई किन्नर लता आंटी ने बारा में मांग खाने का अपना अपना अधिकार जताते हुए अपने अपने एक दर्जन से अधिक साथी किन्नरों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। करीब एक घंटे तक ताली बजा बजा कर एक दूसरे पर अपना अधिकार क्षेत्र हड़पने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश से अपने साथी किन्नरों के साथ आई लता आंटी ने बताया कि बारा को उसके गुरु ने उसे दिया है, इसलिए जीते जी बारा की मालिक वह है, खुशबू का कोई अधिकार यहाँ नहीं है। वहीं किन्नर खुशबू आंटी ने बताया कि लता MP के नीमच में रहती है, जो 40 वर्ष से वहीं रह रही है। मालिकाना अधिकार उसे संभाल कर लिखित में दिया हुआ है, जिसके वह लता आंटी को 2 बार उसके 70 लाख रुपए दे चुकी है और अभी भी हर महीने रुपए व राशन देती है, जबकि लता अब वारा पर कोई अधिकार नहीं रखती। साथ ही लता आंटी पर उनके एक साथी किन्नर को किडनैप करने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली CI रामविलास मीणा ने दोनों पार्टियों में समझौता कराने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन बाद में लता आंटी अब वारा में ही मकान खरीद कर वहाँ रहने की बात करते हुए बिना समझौते किए ही अपने साथी किन्नरों को लेकर थाने से चली गई, जिससे फिलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है। मामला मेरा ऐसा, मालिक हूँ मैं चाहूँ जिसको रखूँ, मैं खुद रहूँगी, खुद मांगूंगी, खुद फिरूंगी, जिस जबान से सब जानते मुझे, पूरी बारा जानती है। हमने लिख के दिया जीते जी मालिक मारे पीछे, हम मरने गए जिंदा है अभी, मैं खुद मांगूंगी, बारा में रहूंगी, मकान ले रही हूँ। बारा में मुझे 40 साल हो गए, मेरी गुरु दिख के दे गई। विवाद आ रहा है, इनका धमकी देते मुझे गोली मरवा दूंगा, फला चेले खुशबू है ही रहते, जो लंका कॉलोनी में है ही रहती, पुराना मकान महिला पारे में। लता आंटी, लता आंटी मेरी बात सुनो, मेरे राजे राजे में सोने में किनर अंता से, ये देखो इधर दादागिरी कर रहे हैं हमारे साथ में, ये हम बारा रहते हैं, ये इंजड़े MP से आके हमें धमकाते ये। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।